आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मेथी आलू की ज़बरदस्ती सब्ज़ी। आइए बनाते हैं इसको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। मैं अभी कर रही हूँ मॉर्निंग का ये हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट। ये है हमारी बैटी और मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों मिलके पहले हाफ हाफ कप टी लेते हैं और साथ में लेते हैं ये रोस्टेड मखाने, और उसके बाद हम करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो आइए चलते हैं आप किचन की तरफ और बनाते हैं ये बढ़िया सी यम्मी सी सब्ज़ी। इसको बनाने के लिए जो ये सामान चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेथी मैंने पहले से ही धो के अच्छे से साफ़ करके रखी हुई थी, इसका पानी अच्छे से निकल गया है और इसको मैं करूँगी बारीक बारीक कट। और जो सामान चाहिए वो है एक छोटा प्याज, चार पांच हरी मिर्ची, ये चार पांच लहसुन और एक छोटा टमाटर, और चार से पाँच मैंने छोटे साइज़ के आलू हैं इसलिए चार से पाँच लिए हैं, बड़े हों तो आप दो ले सकते हैं। और अब मैंने ये सब कटिंग कर ली है लहसुन और प्याज की, और आलू भी कट कर लिए हैं और इसको पानी में रख दिया है। ये मैं ब्रेकफास्ट के लिए तैयार कर रही हूँ। इसको लंच में भी आप इजीली पैक कर सकते हैं, पराठे रोटी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए बनाते हैं इसको। इन सभी मसालों को अच्छे से मैंने मिक्स करके, और ये आलू हैं हाफ कुक हो गए हैं, अब इसमें मैं ऐड करूँगी एक टमाटर और ये तीन चार हरी मिर्ची थी इसको कट किया था मैंने, इसको मैंने इसमें ऐड कर लिया है। फ्रेंड्स, ये जो हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची आपको ज़रूर ऐड करनी है, रेड वाली आप चाहे कम कर सकते हैं, बट जो हरी मिर्ची होती है इससे ना मेथी आलू का टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है।
ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद में अब हम इसको अच्छे से ढक के पकाएंगे। और इसके साथ मैं बना रही हूँ करारा करारा पराठा, और पराठे के साथ ये मेथी आलू बहुत ही यम्मी लगता है, मैंने बताया था आपको। तो ये ब्रेकफास्ट की हो रही है हमारी तैयारी। ये देखिए सारा पानी इसका ड्राई हो गया है और ऑयल आ गया है ऊपर, और आलू भी हमारे अच्छे से गल गए हैं और हमारी सब्ज़ी हो गई है तैयार। तो इसको एक हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और साथ में पराठा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरी मेथी आलू की इतनी इजी स्टाइल से बनी हुई सब्ज़ी और साथ में ये पराठा? बहुत ही यम्मी ब्रेकफास्ट होता है ये, आप एक बार ट्राई करके देखना और कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, और फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले मिलेगी। बाय फ्रेंड्स।